हेलो जी नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज जो हम आए हैं छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, जिसमें से आप जो देख रहे हैं दशमेश जो कि सोलिस यानमार का शोरूम है, वहां पर आए हैं। और आज हम जो है 50 HP की जो फोर व्हील ट्रैक्टर है सोलिस की, उसकी आज हम आपको कम्प्लीट रिव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रैक्टर के बारे में आपको डिटेल बता दूं, ये वाली जो ट्रैक्टर है यह जो है 50-15 सोलिस की है, फोर व्हील ट्रैक्टर है, 50 HP की ट्रैक्टर है, तीन सिलेंडर हैं और भी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। तो फिर चलिए शुरू से देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या क्या खूबी है और किसान को इसको लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बोनट से। बोनट की मैं अगर बात करूँ तो इसमें सिंगल पुश बटन दिया गया है, आपको इसको सिर्फ प्रेस करना है और यह जो है ऑटोमेटिक खुल जाता है। आप देखेंगे अंदर साइड दो सिलेंडर लगी हुई है जो कि इसको स्टेबिलिटी देती है, चाहे आप उसमें नीचे घुस के कुछ भी काम करते हैं तो ये आसानी से गिरता नहीं है, पूरी स्टेबिलिटी इसमें आप रहती है। अगर मैं रेडिएटर की बात करूं तो रेडिएटर के फ्रंट में जो है एक जाली दिया जाता है, खासकर जैसे कि आप जो धान की काम करते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह काम करते हैं, तो जो छोटे छोटे जो पुआल के जो टुकड़े रहते हैं वो इसमें फंसने के चांसेस रहते हैं रेडिएटर में, तो उसी को बचाने के लिए उन्होंने एक स्पेशली जाली दे रखी है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बैटरी अक्सर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रैक्टर का, लेकिन इसकी बैटरी को जो है यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया गया है जिससे कि रेडिएटर को बराबर जो है हवा इसमें मिलती नहीं। अगर हम लोग फिल्टर की बात करें तो ड्राई टाइप एयर फिल्टर है और यहाँ पर अगर आपका जो है फिल्टर चोक होता है तो आपको सेंसर के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ है, इसके बाद हम आगे भी और मैं आपको बताता हूँ। यह सिंगल प्रेस करने पर यह जो है बंद हो जाती है। अब हम जो है इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो सोलिस यानमार जो है एरोडायनेमिक का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है, कहने का मतलब जो डिज़ाइन भी है वो काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर जाली दे रखी, साइड में भी जाली है, इस साइड भी जाली है, मतलब कि आपकी जो गाड़ी के कूलिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसकी हेड लैम्प की मैं अगर बात करूँ तो ये LED टाइप से हेड लैम्प इसमें दिया गया है और साइड में यहाँ पे आप जो देखेंगे जो अक्सर जो कार वगैरह में जो रहती है उस तरीके से इसमें LED का भी जो इसमें फिनिशिंग दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसकी फ्रंट जो टायर की मैं अगर बात करूँ तो इसकी फ्रंट टायर जो है 9524 की है, MRF की टायर है, 9524 की आपको यहाँ पर टायर मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी जो पावर स्टीयरिंग की गाड़ी है इसके स्टीयरिंग के लिए जो दोनों तरफ आपको जो है सेपरेट मतलब हाइड्रोलिक वो मिलेगा जिससे कि आप जो गाड़ी को जो है बड़े आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ये इसकी फायदेमंद होती है। आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है सोलिस की ब्रांडिंग दी गई है, सोलिस 50-15 यहाँ पर लिखा गया है और यानमार के साथ जो उनका कोलैब है उसको दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आपको 5 साल की आपको वारंटी जो है यहाँ पे दिया गया है, 5 साल की वारंटी के साथ ये चीज़ आपको दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग साइड में देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो LED लाइट के साथ इसमें साइड इंडिकेटर के लिए LED लाइट दिया गया है जो कि रात में काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम लोग जो रेयर टायर की बात करें तो पीछे की जो टायर है आपको मिलेगा 16x28 की, इसमें जो है हेवी टायर दिया गया है, MRF की ये टायर इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके पीछे साइड मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 3 लिंकेज की जो इसमें जो दिया गया है, इसकी जो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी 3 लिंकेज में कि इसकी ये जो आप देखेंगे जो साइड में अक्सर आप जो देखेंगे कि चेन रहता है, लेकिन यहाँ पर चेन ना देके इसमें एक सिलेंडर टाइप से दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत है और हेवी से हेवी इक्विपमेंट अगर आप जैसे इसमें लोड करते हैं तब भी जो है ये मतलब कि नुकसान नहीं होता है और प्रॉपर तरीके से जो इधर उधर जो टच होने की समस्या रहती है उससे दूर हो जाती है। एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा इनका कि यह ये जो आप देख रहे हैं खासकर जब वो हिंच जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें लोग ट्राला वगैरह जो लगाते हैं तो ये एडजस्टेबल है, आप इसको जो है नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी और भी किसान का टाली का यूज़ करना चाहते हैं तो उस समय जो सामान्य ट्रैक्टर में दिक्कत होती है लेकिन इसमें वो दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है नीचे ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दो टाइप से ये जो नॉब आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक की, तो ये जो दो टाइप से नॉब है तो इसमें जो है आप हेवी से हेवी इक्विपमेंट उसको आप इसमें जो है बड़े आसानी से आप इसको चला सकते हैं। बैक में भी आप देखेंगे कि ये जो साइड लाइट है इसको LED के माध्यम से दिया गया है और ये जो है हैलोजन लाइट है, पीछे में आप कुछ काम करते हैं इक्विपमेंट वगैरह लगाते हैं कुछ भी आप काम करते हैं नाइट में भी तो ये परफेक्ट होता है। सेपरेटली नंबर प्लेट दिया गया है जिसमें भी एक लाइट आपको दिया गया है। एक चीज़ और जो मेरे को सोलिस का अच्छा लगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो है आप
मतलब कि जो मडगार्ड रहती है, मडगार्ड के आप पीछे साइड देखेंगे कहीं पर भी आपको वायर नहीं दिखेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब भी जैसे कि आप कीचड़ वगैरह में काम करते हैं तो निश्चित तौर पे कीचड़ अंदर फंसती है, तो वहाँ पे आपको जो है धुलाई करते समय जो वायर वगैरह रहते हैं उसके टूटने वगैरह का दिक्कत रहता है। इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी वायर आपको नज़र नहीं आएगा, बस वायर वहीं पर दिखेगा जहाँ पर जो है मतलब लाइट वगैरह लगा हुआ है, ये पूरी तरीके से खाली है। ऊपर भी आप देख रहे हैं इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है, मैं आपको ऊपर भी चढ़ के दिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। सीधी बात है, फोर व्हील ट्रैक्टर है तो नीचे जो इनके शाफ्ट लगी होती है, तो मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा। इनकी जो शाफ्ट है ये जो आप देख रहे हैं हेवी मेटल की शाफ्ट होती है, साथ ही साथ इसमें जो है इस तरीके से कवरिंग दिया गया है। कवरिंग देने का बेनिफिट ये रहता है, कई बार हम जो ऊंचे मेड़ से जब नीचे खेत में जाते हैं तो इसकी जो है टच होने की जो समस्या रहती है, तो इसीलिए इसको जो है सेपरेटली कवर करके इसमें दिया गया है, ताकि आप देखेंगे कवर शुरुआत से होके पूरा एक जो पूरा है पूरा जो शाफ्ट है उसको इन्होंने कवर करके रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। ये जो आप देखेंगे ये है डीजल फिल्टर, और ये ऑयल, ये जो ऑयल में जो पानी वगैरह रहता है उसके लिए फिल्टरिंग करने का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, इसमें और मैं आपको बता दूँ इसके जो प्लेटफॉर्म की मैं और एक खास बात कर दूँ, सामान्य तो जो ट्रैक्टर रहती है ये जो पैरदान रहता है ये इसी तरीके से रहता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे ये इंजन से कनेक्टेड है। कई बार जैसे कि मेड वगैरह में जब आगे चक्का के बाद दूसरा चक्का जब जाता है तो ये वाले पोस्टन को ज़्यादा टच करता है। मेरा जो पर्सनल मेरा भी जो ट्रैक्टर है वो उसमें ये फैसिलिटी नहीं होने के चलते एक बार ये पूरी तरीके से दब गया था, तो ये चीज़ इन्होंने अच्छा दिया है कि भैया पैरदान को ये पूरी तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग किए हैं, पूरा इंजन के साथ इसको जो है इन्होंने कनेक्ट करके रखा है, जिससे कि इसकी डैमेज होने की समस्या नहीं रहती। यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स दिया जाता है जिसमें जो है आप जो ट्रैक्टर से रिलेटेड टूल्स वगैरह जो है आप इसमें रख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको चढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, चढ़ने के लिए पैरदान और यहाँ पकड़ने के लिए भी इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है, या फिर आप यहाँ पर भी पकड़ के इसमें आसानी से चढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आगे चढ़ के दिखाता हूँ। चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, बड़े आसानी से आप इसमें जो है चढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लगभग जो है 6 फीट का हूँ और मेरा पैर एकदम आसानी से यहाँ पर बैठ रहा है, क्योंकि इसकी जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से सिंपल है। और मैं आपको बता दूं ऊपर की हुड की मैं अगर बात करूं, ऊपर की हुड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। एलईडी इसमें जो है इधर जो है दो, एक और दो, इधर एक और दो, और पीछे भी इसमें एलईडी दिया हुआ है, वो मैं आपको सारा चीज़ डिटेल बताऊंगा। ट्रैक्टर के ऊपर से देखने पर आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है एलईडी और एनालॉग का जो है आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा डैशबोर्ड में, और सामने आपको सोलिस का लोगो मिलेगा। ये है पावर स्टीयरिंग, इस तरीके से आपको जो है हॉर्न लाइट वगैरह सारा फैसिलिटी इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है पास लाइट मिलेगा, ये पास लाइट का अगर आप प्रेस करते हैं जैसे कि आप रोड साइड में कहीं खड़े करते हैं तो आपके काम आएगा। नीचे जो है आप देखेंगे कि ये जो है इसकी किल स्विच यहाँ पर दिया गया है। प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ एकदम प्लेन, लगभग जो है ये जो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से प्लेन है, तो आप जो है पैर को बड़े आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर को आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से जैसे कार में एस्केलेटर रहता है उस तरीके से दिया जाता है। सामान्य ट्रैक्टर में आप देखेंगे एक छोटा सा रहता है जिससे कि आप नंगे पांव, जैसे कि आप खेत में हैं कीचड़ में हैं तो जैसे कि आप नंगे पांव हैं तो आप उसमें ज़्यादा समय तक आप पैर रखते रखते जो है आपका ये पैर दुखने लगता है। उसी की जो है ध्यान में रखते हुए सोलिस कंपनी ने आपको एस्केलेटर में पैर रखने के लिए, अगर आप नंगे पैर में भी अगर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको किसी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इसमें जो है ऑयल इमर्सन डिस्क ब्रेक लगी होती है। इसकी खास बात यह रहती है कि अगर आप जैसे कि ट्रैक्टर पीछे भी जा रहा है और आप ब्रेक पकड़ते हैं तो बड़े आसानी से जो है ब्रेक लगता है। इसके साथ साथ मैं अगर इसकी जो है लीवर की बात करूं तो ये तो है जो हाइड्रोलिक को अप और डाउन करने का, और ये उसके डेप्थ को कंट्रोल करने का होता है। और जैसे कि ट्रॉली अगर आपको उठाना है तो इसमें सेपरेटली इसमें जो है एक दिया गया है जिससे कि आप सेपरेटली अपने जो ट्रॉली को उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है इसकी डिज़ाइन है और सीट काफ़ी आरामदायक होती है। साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है पीटीओ के लिए भी गियर मिलेगा, और ये जो है फोर व्हील के लिए जो है सेपरेट जो है यहाँ पर गियर दिया हुआ है, और ये जो है पीटीओ 540 आरपीएम में आपको जो है पीटीओ मिलता है। पीटीओ के लिए यहाँ पर सेपरेट गियर दिया हुआ है, और इधर देखेंगे आप जो है स्पेशल ब्रेक का जो लॉक भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो है बड़े आसानी से जो है ब्रेक को आप लॉक कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि आपने देखा हमने जो है सोलिस का जो 50-15 ट्रैक्टर की हमने आपको कंप्लीट रिव्यू दिया, इसमें सारा चीज़ आपको देखने को मिला, किस तरीके से इसमें फैसिलिटी है, क्या चीज़ दिया गया है, इसकी टायर के साइज वगैरह हमने हर चीज़ आपको बताया। तो किसान भाइयों, अगर आप भी जो है 50 HP की ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, फोर व्हील ट्रैक्टर लेने का प्लान है, तो आपको एक बार सोलिस का जो 50-15 है इसको आपको बिल्कुल ट्राई करके देखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है, जापानीज और इंडियन दोनों टेक्नोलॉजी का मिक्सअप है, क्योंकि इसको बोला जाता है सोलिस यानमार, तो इसमें जापानीज और इंडियन दोनों टेक्निक का कम्बिनेशन है। बहुत ही बेहतर लुक है, बहुत ही बेहतरीन पावर है। 3 सिलेंडर का ये इसमें इंजन दिया गया है,
2000 की इसमें आपको रेटेड आरपीएम मिलेगी। 2000 का रेटेड आरपीएम होने की वजह से आपको जो है बेहतरीन टॉर्क इसमें जो है देखने को मिलेगा। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी भी 2000 किलो की है, तो आप बड़े से बड़े इक्विपमेंट भी जो है इसमें आप लगा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। सोलिस यानमार से संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव थे तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगा हर बार की तरह लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।